समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती तुम्हें माने समस्ते प्रथम क्लास रे इंप्रेस रे स्टैंडर्ड टूल बार रो ऑप्शन गुड़ी करो व्यवहार विषय रे सिखिथिलो। आसो वर्तमान तुम्हें प्रथम क्लास रे कौन सब सिखिथिलो ताहार अभ्यास करिबा। स्टैंडर्ड टूल बार काही की व्यवहार होई थाए तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार व्यवहार द्वारा तुम्हें मेनू बार ऑप्शन गुड़िक शॉर्टकट तैयारी करि परिबो जेउ गुड़ी को तुम्हें सीधा सड़ख व्यवहार करि परिबो। तुम्हें सेठारे सही सब ऑप्शन को रखि परिबो जहाँ को तुम्हें तुम्हार इंप्रेस फाइल रे बारंबार व्यवहार करि थाओ जेमिति कि तुम्हें न्यू ओपन सेव हाइपरलिंक इत्यादि ऑप्शन गुड़ी को स्टैंडर्ड टूलबार भितरे रखि परिबो। तापरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार रो समस्त ऑप्शन गुड़ी को विषय रे सिखिबो। तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार रो विभिन्न ऑप्शन गुड़ी को केमिति लुचाइबो एवं देखाइबो। तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार रो ऑप्शन गुड़ी को लुचाइबा एवं देखाइबा पई तुमको कंट्रोल बटन किंबा ड्रॉप डाउन ऑप्शन उपरे क्लिक करिबा पई हेबो जहाँ कि तुमको आगरे एही चित्र रे देखा जाइछि। तापरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूलबार रो ऑप्शन को लुचाइबा एवं देखाइबा पई कस्टमाइज टूलबार ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। तुम्हारा मन अछि कि डिस्प्ले ग्रिड कौन अटे? डिस्प्ले ग्रिड ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हार इंप्रेस स्लाइड रे बहुत गुड़िए डॉट्स अर्थात बिंदु पाई परिबो किंबा एहा ग्राफ भली देखा जिवो। कौन तुम्हें जानिछो कि चार्ट ऑप्शन रो व्यवहार काहीं की करा जाए? चार्ट ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हार एक्सेल रो डाटा को देखाई परिबो जेमिति कि कहार रेकर्ड किंबा लिस्ट को इंप्रेस रे चार्ट करी देखाई परिबो। तुम्हें जानिछो कि प्रिंट फाइल डायरेक्टली ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा कौन होई थाए? प्रिंट फाइल डायरेक्टली ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हार इंप्रेस रो फाइल को सीधा सड़ख प्रिंट करी परिबो। वर्तमान तुम्हार कंप्यूटर को ऑन कर एवं इंप्रेस रो फाइल को ओपन कर। आस वर्तमान आजिरो क्लास आरंभ करिबा। वर्तमान तुम्हें समस्ते दिया जाइथिबा पाराग्राफ को तुम्हार प्रथम स्लाइड रे टाइप कर। तापरे जाओ एवं एही पाराग्राफ रो फॉर्मेटिंग कर। कौन तुम्हें माने समस्ते पाराग्राफ रो फॉर्मेटिंग करिदेल कि नाही? आस वर्तमान एही वीडियो देखिबा एवं एही सबु फॉर्मेटिंग किपरि करा जाय ताहा देखिबा। वर्तमान फॉर्मेटिंग टूलबार सहाय्य रे पाराग्राफ रे फॉर्मेटिंग करिबा पई प्रथमे तुम्हे लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट कर जेम भली वीडियो रे देखा जायछि प्रथम पाराग्राफ टी को सिलेक्ट कर। एहा परे तुम्हारा कर्सर को फॉन्ट स्टाइल पाख को नहीं ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक कर। एठारे तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार फॉन्ट स्टाइल रहिछि। तुम्हें एठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी स्टाइल गुड़ी को चेक करी परिबो एवं तुम्हें चाहूतिबा स्टाइल को सिलेक्ट करी परिबो। एबले गोटे स्टाइल को सिलेक्ट कर। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करितिबा स्टाइल अनुजाई तुम्हारा पाराग्राफ रो फॉन्ट रो स्टाइल होई जाइछि जेउ भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो। एबे संपूर्ण पाराग्राफ टी को सिलेक्ट कर। यहाँ परे तुम्हारा कर्सर को फॉन्ट साइज पाख को नहीं ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर। एठार तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार साइज रहिछि। तुम्हें एठारे गोटे साइज को सिलेक्ट कर एवं
तुमर फॉन्ट रो साइज से भली होई जिवो से भली तुमे इठारे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी एहार साइज को कम करि परिबो मध्य जे भली वीडियो रे देखा दैछि। एबे इठारे द्वितीय पैराग्राफ टू को सिलेक्ट करो या परे तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को बोल्ड ऑप्शन पाख को नै गटे थरो क्लिक करो तुमे देखि परिबो टेक्स्ट गुड़ का बोल्ड होई से भले इठारे प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करो एवं अंडरलाइन ऑप्शन पाख को जाई गोटे थर क्लिक करो। यह द्वारा तुमर टेक्स्ट तले गारो आसी जीव जो भले तुमे वीडियो रे देखि पारुछो। एठारे द्वितीय पैराग्राफ रो लाइन को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाई छी। यहा परे तुमरा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार रे थिबा फॉन्ट कलर ऑप्शन पाखो को नै ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करो तुमे देखि परिबो इठारे विभिन्न प्रकार रो कलर रही छी। एठारु तुम इच्छा मुताबिक गोटे कलर को बाछो एवं ताकु क्लिक करो तुमे देखि परिबो तुमे सिलेक्ट करथिबा लाइन रो टेक्स्ट रो कलर चेंज होई जाई छी। सेइ भली शेष लाइन टी को सिलेक्ट करो एहा परे तुमार कर्सर को फॉर्मेटिंग टूल बार पाखो को नियो एवं पुनर्बार फॉन्ट कलर पाखर थिबा ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करो। एठारु तुम इच्छा मुताबिक आ गोटे कलर को सिलेक्ट करो एवं ताको क्लिक करो। एबे से भली तुम्हारा कर्सर को प्रथम लाइन रो आरंभ रे रख एवं एथिरे बुलेट इंसर्ट करिबा पई तुम्हारा कर्सर को फॉर्मेटिंग टूल बारे थिबा बुलेट ऑप्शन पाखो को नै गोटे थरो क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो प्रथम लाइन रो आरंभ रे बुलेट इंसर्ट होई जाई छी। एही भली भाबरे तुम्हें पैराग्राफ रे फॉर्मेटिंग करि परिबो। तापरे आउ गोटे नुआ स्लाइड आण कौन तुम्हें कही परिबो तुम्हें केतोटी माध्यम रे गोटे नुआ स्लाइड को इनसर्ट करि परिबो तुम्हें गोटे नुआ स्लाइड को दुईटी माध्यम रे इनसर्ट करि परिबो। प्रथम माध्यम टी तुम्हें मेनू बार रो इनसर्ट ऑप्शन को जाओ एवं गोटे नुआ स्लाइड को इनसर्ट करिबा पई स्लाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करो। द्वितीय माध्यम टी तुम्हें तुम्हारा माउस किंबा टचपैड रो डाहाण बटन को क्लिक करो एवं तापरे गोटे नुआ स्लाइड को इनसर्ट करिबा पई न्यू स्लाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करो। वर्तमान एही स्लाइड रे गोटे रेक्टेंगल बॉक्स तैयारी करिबा पई तुम्हें ड्रॉइंग टूल बार रो व्यवहार करो एवं तुमको चित्र रे देखा जाइथिबा भली एहार फॉर्मेटिंग को चेंज करो। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे तुम्हें एही वीडियो देखि सीख। वर्तमान तुम्हारा इंप्रेस फाइल रे गोटे रेक्टेंगल इनसर्ट करिबा पई एवं सेथिरे फॉर्मेटिंग करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्लाइड पेन पाखो को नै गोटे थरो क्लिक करो एवं सेथिरे राइट क्लिक करो एवं न्यू स्लाइड उपरे गोटे थरो क्लिक करो। गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट होई जिवो। एबे तुम्हारा कर्सर को स्लाइड लेआउट ऑप्शन को नै ब्लैंक स्लाइड को गोटे थरो क्लिक करो। यह द्वारा टेक्स्ट स्लाइड ब्लैंक स्लाइड रे परिवर्तन होई जिवो। एबे ड्राइंग टूल बार को जाई रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो एवं तुम्हारा फाइल रे गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो जे भली वीडियो रे देखा जाई छी। वर्तमान एथिरे फॉर्मेटिंग करिबा पई तुम्हारा कर्सर को फॉर्मेटिंग टूल बार को नै तुम्हारा कर्सर को नै
एठारे आउटलाइन को चेंज करने एठारे जेकोसी गोटे आउटलाइन को सिलेक्ट कर पार तुमर इच्छा मुताबिक एवं एठारे आउटलाइन लो थिकनेस को बढ़ाई पार अप एरो की को प्रेस करी एवं आउटलाइन लो कलर को इठारे परिवर्तन मध्य करी पार जो भाई वीडियो देखा जाइछि एवं एहा मध्य कलर फिल करने कलर ऑप्शन को जाए क्लिक कर एवं एठारे ग्रेडिएंट कलर को सिलेक्ट कर एवं तापाई इठारे जेकोसी गोटे कलर को सिलेक्ट कर तुम्हार इच्छा मुताबिक जो भाई वीडियो तुम्हें देखिपार तुम्हें देखिपार तुम्हें सिलेक्ट कर कलर स्टाइल रेक्टांगल मध्य फिल हो जाए भाव तुम्हें फॉर्मेटिंग कर बर्तमान आउ गोटे स्लाइड को इनसर्ट कर एवं तापर यही स्लाइड रे पांच बाय पांच रो अर्थात पांचटी रो एवं पांचटी कलम रो टेबल इनसर्ट कर एवं यही टेबल रे किछि डाटा टाइप कर यही वीडियो देख एवं इंप्रेस रो स्लाइड रे गोटे टेबल को केमिति तैयारी करा जाए ताहा देख बर्तमान गोटे टेबल इनसर्ट करने प्रथम गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट कर एथिपाई तुम्हारा कर्सर को स्लाइड पेन पाख को नियो एवं या परे राइट क्लिक कर तापरे न्यू स्लाइड उपरे गोटे थर क्लिक कर या द्वारा गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट हो जिबो एबे तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बार को नहीं टेबल ऑप्शन को क्लिक कर तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो थे तुम्हें केतोटी नंबर कलम किंबा केतोटी नंबर रो चाहुछ एठारे सिलेक्ट करी पारिबो अप एरो की किंबा डाउन एरो की को प्रेस करी एबे पांचटी रो एवं पांचटी कलम विशिष्ट टेबल इनसर्ट करिया पई एठारे सिलेक्ट कर तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम स्लाइड रे गोटे टेबल इनसर्ट हो जिवो एबे एथिरे डिटेल्स तुम्हें फिलअप करी पारिबो एठारे सीरियल नंबर तुम्हें इठारे टाइप करी पारिबो हेडिंग आकार रे एवं सीरियल नंबर इठारे तले दे पारिबो प्रत्येक रो रे जो भाई वीडियो रे इठारे 1 2 3 4 दिया जाय छी तापरे परवर्ती कॉलम रे इठारे तुम्हें नेम टाइप करी पारिबो एवं नेम कॉलम रा प्रत्येक सेल रे इठारे नाम टाइप कर जो भाई वीडियो रे टाइप करा जाय छी एबले बारे तुम्हें इठारे नाम गुड़िक टाइप कर जो डाटा तुम्हें फिलअप करने चाहछ ताइार दे पार यापर परवर्त कलम को जाओ एवं इठारे तुम्हें टाइप कर पार इठारे टाइप कर क्वालिफिकेशन टाइप कर एवं यार प्रथम सेल ले इठारे क्वालिफिकेशन प्रथम व्यक्ति क्वालिफिकेशन टाइप कर तापरे द्वितीय व्यक्ति टाइप कर से भली परवर्ती सेल गुड़ी करे क्वालिफिकेशन इठारे टाइप कर या परे परवर्ती कॉलम को सिलेक्ट कर
एवं ये टाइप कर ईमेल आईडी जो भाई वीडियो रे देखा जाए छी एवं प्रति सेल ले इधरे ईमेल आईडी टाइप कर सही परी परवर्ती सेल ले ईमेल टाइप ईमेल आईडी टाइप कर ए भली भाव टाइप कर से परी तापर सेल ले टाइप कर एभली भाव एठारे ईमेल आईडी टाइप कर एभली भाव एठारे ईमेल आईडी टाइप कर तापरे परवर्ती सेल ले एठारे टाइप कर एबे शेष कलम रे इधर टाइप कर तुम्हें चाहिए सेल आकार बढ़ाई पारिबो इधर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर एवं प्रतिटि सेल ले कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर जो भाई वीडियो रे देखा जाए छी एभली भावे तुम्हें तुम्हारे टेबल रे डाटा इनसर्ट करी परिबो अर्थात डाटा तुम्हें दे परिबो एभली भावे इठारे प्रतिटि सेल ले कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर एभली भावे तुम्हें टेबल इनसर्ट करी सेथिरे डाटा फिलअप करी परिबो कौन तुम्हें टेबुल डिजाइन को चेंज करी परिबो आसो वर्तमान एही वीडियो साहाज्य रे टेबुल डिजाइन को तुम्हें केमिति चेंज करिबो सिखिबा वर्तमान टेबुल डिजाइन को परिवर्तन करिबा पई प्रथमे तुम्हें तैयारी करथिबा टेबुल को सिलेक्ट कर तापरे डाहाण पाखरे टेबुल डिजाइन रु तुम इच्छा अनुसार जेकोणसी डिजाइन को बाछी पारिबो एवं या उपरे क्लिक करी तुम्हें यार प्रीव्यू देखी पारिबो एवं तुम्हें चाहूथिबा डिजाइन को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो देखा जाए छी यह द्वारा तुम्हें देखी पारिबो तुम्हार टेबुल डिजाइन चेंज होउछि एबे गोटिए डिजाइन को सिलेक्ट कर एवं तुम टेबुल डिजाइन से भली होई जाइछि तुम्हें देखी परिबो ए भली तुम्हें विभिन्न प्रकार डिजाइन को तुम टेबुल लगाई परिबो तापरे तुम्हें आउ गोटे स्लाइड को इनसर्ट कर एवं एही फाइल रे हाइपरलिंक द्वारा अन्य गोटे फाइल को किपरि लिंक करिबो देखाओ आस वर्तमान एही वीडियो को देखी इंप्रेस फाइल रे अन्य गोटे फाइल पर हाइपरलिंक ऑप्शन रो व्यवहार करी केमिते लिंक तैयारी करा जाए ता सिखिबा वर्तमान हाइपरलिंक लगाइबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को सही जगह रे रखो जेउ जगह रे तुम्हें हाइपरलिंक लगाइबा पई चाहुछो एथि पई प्रथमे गोटे नुआ स्लाइड नियो एथि पई स्लाइड पेन को तुम्हारा कर्सर आनो एवं तापर राइट क्लिक करो एवं न्यू स्लाइड ऊपर गोटे थर क्लिक करो यह द्वारा गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट हो जिवो वर्तमान तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बार थिबा हाइपरलिंक ऑप्शन पाख को नहीं गोटे थर क्लिक करो तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो एवं पाथ रे फाइल ऑप्शन को क्लिक करो
तुम आगे आ गोटे बक्स ओपन हेबो जो थे तुम फाइल केउठारे अच्छी यठार खोजी पार जदि यह डेस्कटॉप रे रही स्क्रॉल बार को व्यवहार कर तुम यठार तुम फाइल को सिलेक्ट कर पार एबे गोटे फाइल को सिलेक्ट कर या परे ओपन ऊपर गोटे थर क्लिक कर या द्वारा से फाइल टीठार आसीज तापर एप्लाई ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर से भले आ गोटे फाइल को लिंक करने पुनर्बार फाइल ऊपर क्लिक कर तुम आगे पूर्वपरि बॉक्स टी ओपन हेबो एठारु तुम्हें चाहूबा फाइल को सिलेक्ट कर पार एटारे स्क्रॉल बार को व्यवहार कर फाइल बाछी पार के तुम फाइल रही क्लिक कर तापर ओपन ऊपर क्लिक कर तापर अप्लाई ऊपर क्लिक कर तापर क्लोज ऊपर क्लिक कर वर्तमान तुम्हें देखिपार यठार हाइपरलिंक आसी एबे यहाँ को ओपन करिबा पई कंट्रोल बटन को दबाई रखी यहाँ पर क्लिक कर तुम्हें देखिपार यठार टास्क बार रे सही फाइल टी आसी यहाँ पर क्लिक करी तुम्हें यहाँ को चेक करी पारिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि वर्तमान यहाँ को क्लोज कर दियो एई भली भाव रे तुम्हें हाइपरलिंक माध्यम रे फाइल को लिंक करी पारिबो तापरे जाओ एवं तुम्हें तृतीय एवं चतुर्थ स्लाइड को किपरि कॉपी एवं पेस्ट करिबो देखाओ जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो देखी यहाँ किपरि करिबो सीख वर्तमान स्लाइड को कॉपी पेस्ट करिबा पई प्रथमे तुम्हें जो स्लाइड को कॉपी करिबा पई चाहुछ ताहा को सिलेक्ट कर जदि तुम्हें दुईटी स्लाइड को सिलेक्ट करिबा पई चाहुछ तेबे कंट्रोल बटन को दबाई रखी तुम्हें दुईटी स्लाइड को सिलेक्ट कर या परे कॉपी करिबा पई स्टैंडर्ड टूल बार को जाई कॉपी आइकन ऊपर गोटे थर क्लिक कर या द्वारा एही दुईटी स्लाइड कॉपी होई जिवो जाकि तृतीय एवं चतुर्थ स्लाइड तापर या को पेस्ट करिबा पई स्टैंडर्ड टूल बार को जाई पेस्ट आइकन ऊपर गोटे थर क्लिक कर या द्वारा तुम्हें देखि परिबो एही दुईटी स्लाइड पेस्ट हो जाइछि पंचम एवं षष्ठ स्लाइड हिसाब रे एबे तुम्हें चेक कर परिबो एही दुईटी स्लाइड पूर्व रही तृतीय एवं चतुर्थ स्लाइड हिसाब रे एही परि भाबरे तुम्हें कॉपी पेस्ट कर परिबो वर्तमान अंडूर व्यवहार कर एवं कह जेतेबेले तुम्हें अंडूर व्यवहार कल सेतेबेले कौन हैला तापरे तुम्हें रेडो कमांड व्यवहार कर एवं कह जेतेबेले तुम्हें रेडूर व्यवहार कल सेतेबेले कौन हैला आस वर्तमान एही वीडियो देखिबा एवं जेतेबेले आमे अंडू एवं रेडू कमांड व्यवहार कलु कौन हैला ताहा बुझिबा वर्तमान अंडू एवं रेडू ऑप्शन रो व्यवहार करिबा ध्यान देबो आमे आमर फाइल ले शेषरे तृतीय एवं चतुर्थ फाइल को कॉपी पेस्ट करथिलु वर्तमान अंडू ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार थिबा अंडू आइकन पाखो को नै गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखि परिबो एठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी शेषरे पेस्ट होइथिबा फाइल दुईटी स्लाइड दुईटी हटि जाइछि एवं ताहाकु जदि तुम्हें पुनर्बार पाइबा पई चाहिबो तेबे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार थिबा रीडू ऑप्शन पाखो को नै गोटे थर क्लिक कर या द्वारा तुम्हें देखि परिबो सही दुईटी स्लाइड पुनर्बार तुम्हारा फाइल रे आसी जाइछि जाकु तुम्हें चेक कर परिबो एही परि भाबरे तुम्हें अंडू एवं रीडू ऑप्शन रो व्यवहार कर परिबो।
तापरे तुम्हें समस्ते जाओ एवं स्टैंडर्ड टूलबार रो किछि ऑप्शन गुड़ी को केमिति लुचाइबो देखाओ जेमिति कि न्यू हाइपरलिंक डिस्प्ले ग्रिड कॉपी पेस्ट अंडू एवं रीडू। जदि तुमको किछि असुविधा होउछि तेबे तुम्हें एही वीडियो को देख एवं स्टैंडर्ड टूलबार रो एही ऑप्शन गुड़ी को केमिति लुचा जाए बुझ। वर्तमान स्टैंडर्ड टूलबार ऑप्शन गुड़ी को लुचाइबा किमा देखाइबा पई प्रथमे तुम्हें देखि परिबो वर्तमान आमे न्यू हाइपरलिंक एवं डिस्प्ले ग्रिड एही ऑप्शन गुड़ी को लुचाइबा एथि पई तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूलबार रे डाहाण पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन पाख को नियो एही ऑप्शन गुड़ी को लुचाइबा एथि पई तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूलबार रो डाहाण पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन पाख को नै क्लिक कर तापरे कस्टमाइज टूलबार ऊपर क्लिक कर तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हें देखि परिबो कमांड रे सही ऑप्शन गुड़िक रही एबे एठारे न्यू को अनसिलेक्ट कर सही परी एठारे तुम्हें स्क्रॉल बार को व्यवहार करी एठारे अन्य ऑप्शन गुड़िक अनसिलेक्ट करी परिबो जेमळ की कॉपी एठारे कॉपी ऊपर अनसिलेक्ट कर पेस्ट को अनसिलेक्ट कर से भले स्क्रॉल बार को व्यवहार कर इठारे अंडू को अनसिलेक्ट कर एवं रेडू को अनसिलेक्ट कर से परि इठारे हाइपर लिंक को अनसिलेक्ट कर तापरे डिस्प्ले ग्रिड को अनसिलेक्ट कर या परे ओके ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखि परिबो तुम्हें अनसिलेक्ट कइथिबा ऑप्शन गुड़िक एठारे स्टैंडर्ड टूल बारे आसु नहीं जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो एई भले भाबरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन गुड़िक लुचाई पारिबो एवं तापरे तुम्हें एही फाइल को केमिति डेस्कटॉप रे सेव करिबो ताहा देखाओ। एही वीडियो देखि तुम्हारा फाइल को किपरि डेस्कटॉप रे सेव करिबो ता सिखो। वर्तमान फाइल को सेव करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा सेव आइकन पाख को नै गोटे थर क्लिक कर या द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हें तुम्हारा फाइल को केउठारे सेव करबा पई चाहुछ एठारे सिलेक्ट करी परिबो ऊपर ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी किंबा एठारे बाम पाखरे तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो। जदि तुम्हें डेस्कटॉप को सिलेक्ट करुछ तबे या डेस्कटॉप रे सेव हेबो एबे एठारे फाइल नाम दियो एठारे तुम्हें तुम्हारा फाइल रो नाम दे परिबो जे भले वर्तमान एठारे इंप्रेस क्लास 2 बोले एठारे नाम दिया जाइछि। यहा परे सेव ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर यहा द्वारा तुम्हारा फाइल टी सही नाम रे एठारे सेव होइ जिवो तुम्हें चेक करि परिबो एठारे इंप्रेस क्लास 2 आसी जिवो एवं तुम्हें या को जदि चेक करबा पई चाहिबो तेबे प्रथमे ए फाइल टी को मिनिमाइज कर एवं सही फाइल टी को एठारे तुम्हारा डेस्कटॉप रे चेक करि परिबो जे भले वीडियो रे देखा जाइछि। एई भले भाबरे तुम्हें सेव ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हारा फाइल को तुम्हारा कंप्यूटर रे सेव करि परिबो। कोन तुम्हें कहि परिबो एही फाइल को तुम्हें केतोटी माध्यम रे पीडीएफ फॉर्मेट रे परिवर्तन करि परिबो तुम्हें गोटे इंप्रेस रो फाइल को दुईटी माध्यम रे पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करि परिबो। प्रथम माध्यम टी हेउछि तुमको
मेनू बार रो फाइल ऑप्शन को जीवा पाई हेबो एवं तुम्हारा फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करिवा पाई तुम्हें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ किंबा एक्सपोर्ट ऑप्शन को व्यवहार कर। द्वितीय माध्यमटी हेउछि तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार रो पीडीएफ ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो जे भली तुमको आगरे देखा जाइथिबा चित्र को देखुछ। तेणु वर्तमान तुम्हारा फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करिवा पाई स्टैंडर्ड टूल बार को व्यवहार कर। जदि तुमको यह करिवा पाई किछि असुविधा हेउछि तेबे तुम्हें एही वीडियो को देख एवं एहाकु किपरि करा जाय सिख। वर्तमान फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करिवा पाई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन पाखो को नै गटे थरो क्लिक कर। तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हारा फाइल को तुम्हें केउठारे सेव करिवा पई चाहौछ ता एठारे सिलेक्ट करि परिबो। एबे एठारे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर एवं एठारे फाइल रो नाम दे परिबो जेउ नाम रे तुम्हें तुम्हारा फाइल को सेव करिवा पई चाहौछ। तापरे इठारे सेव ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर यह द्वारा तुम्हारा फाइल टी सेव हो जिवो एवं यह को चेक करिवा पई प्रथम ए फाइल टी को मिनिमाइज कर। एबे डेस्कटॉप को जाई सही फाइल टी को इठारे चेक करि परिबो एवं यह ऊपर डबल क्लिक करी सही फाइल टी को तुम्हें ओपन करि परिबो एवं सब स्लाइड गुड़ी को तुम्हें इठारे चेक करि परिबो जो भले तुमको वीडियो रे देखा जाइछि। एबे ए फाइल टी को क्लोज कर दियो। एई बोली भाबरे तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट को तुम्हारा फाइल को परिवर्तन करि परिबो। आजिरो क्लास एही जारे शेष हला। तुम्हें समस्ते तुम्हारा फाइल को बंद करो एवं तुम्हारा कंप्यूटर को बंद करो। आजिरो क्लास रे तुम्हें समस्ते पूर्वरो सिखिथिबा स्टैंडर्ड टूल बार रो विभिन्न ऑप्शन गुड़ी कर अभ्यास करिलो जेमिति कि सेव कॉपी पेस्ट प्रिंट फाइल डायरेक्टली अंडू रीडू टेबल हाइपरलिंक एवं ग्रिड डिस्प्ले। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती